हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी डिलीवरी नवंबर में होने वाली है, दिसंबर में होने वाली है और जनवरी में होने वाली है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आपको पता चलता है कि आपकी डिलीवरी नवंबर, दिसंबर या जनवरी में है तो आपको काफ़ी चिंता होने लगती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है, सर्दी वाला मौसम रहता है। इसमें इन्फेक्शन फैलने का, फ्लू फैलने का थोड़ा सा जो चांस रहता है वो ज़्यादा रहता है। गर्भावस्था की अवधि सामान्य तौर पर 40 हफ्ते 280 दिन की होती है, लेकिन हर महिला में ये अलग अलग हो सकती है। डिलीवरी 39 से 40 वीक्स में कभी भी हो सकती है। अगर वहीं अगर आपके गर्भ में ट्विंस बच्चे हैं, जुड़वा प्रेगनेंसी है, तो उसमें 38 हफ्ते में हो सकती है, यानी कि आपको 38 वीक के आसपास होती है। गर्भ में अब बच्चे की जो अगर आपको नवंबर में डिलीवरी होने वाली है, दिसंबर में होने वाली है या जनवरी में होने वाली है, इन तीनों मंथ में से कभी भी होने वाली है, तो बच्चे की मूवमेंट अब आपको कम फील होने लगेगी। उसके साथ ही आपको पीठ में दर्द महसूस हो सकता है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है, ये वाली प्रॉब्लम आपको थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ सकती है। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तो थी कुछ परेशानियाँ जो आपको नॉर्मली होंगी। सर्दियों में हुई डिलीवरी का नवजात शिशु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जन्मे बच्चे को ठंड लगने का थोड़ा सा चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए आप गर्म कपड़े, टोपी, मोजे, ब्लैंकेट, जो भी आपको अपने बच्चे के लिए रखना है, आपका जो बैग रहता है उसको पहले से ही आप रेडी रखिए, क्योंकि ठंडे वातावरण के बीच में बैलेंस बनाने में नवजात शिशु को थोड़ी मुश्किल होती है। तो बहुत ज़्यादा उसको उड़ाइए नहीं, बहुत ज़्यादा उसको बहुत सारे टोपियाँ या दो तीन स्वेटर ना पहनाइए, अच्छा एक ही स्वेटर पहनाइए जो गर्म हो, अच्छा सा ब्लैंकेट, मोजे, टोपी और जो डायपर या आप घर के जो कॉटन के पजामे, चड्डियाँ या नेपकिन रहते हैं वो पहना सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही बेबी होता है उसके 10 से 15 दिन आप डायपर को अवॉइड करें, घर पर बने हुए ही पहनाएं। आपको थोड़ी दिक्कत होगी कि बेबी ने नेपी गीला करा है तो बार बार चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। कुछ भी सीधे चीज़ें ना लगाइए, आप थोड़ा उसको फ्री रहने दीजिए। इसके साथ ही सर्दियों में स्किन की देखभाल भी ज़रूरी रहती है, क्योंकि हवाओं में नमी आ जाती है और जो मौसम है वो भी ड्राई वाला रहता है, इससे स्किन में ड्राई होना, खुजली होना, खिंचाव होना, रूखापन महसूस होना ये हो सकता है। तो अपना लोशन ज़रूर रखिए उसको, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए, हाइड्रेट लीजिए। अब इस समय फ्लू का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है, अगर डिलीवरी सर्दियों में हो है तो फ्लू ज़्यादातर रहता है। सर्दी खांसी वाले लोगों से ज़रूर दूरी बनाए रखिए। इसके साथ ही वैक्सीनेशन का ज़रूर ध्यान रखिए और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। जैसे आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, अच्छे से इससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लूज मोशन और ये जो परेशानी होती हैं वो आपको नहीं रहेगी, साथ ही शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। इसके साथ ही आप जो थोड़े से गर्म जैसे पेय रहते हैं, सूप रहते हैं, उनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, दालों को डाइट में शामिल कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए इससे। और साथ ही नेक्स्ट एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, विटामिन डी की कमी अक्सर महिलाओं में हो जाती है, तो आप जो हल्की धूप रहती है सुबह सुबह की वो ज़रूर लीजिए, इससे आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। क्योंकि बच्चे पर और आप पर अगर विटामिन डी की कमी है तो फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, असर पड़ता है, तो आप विटामिन डी का ध्यान जरूर रखिए और अपनी टेबलेट्स को लेते रहिए, डॉक्टर से पूछकर उनकी बिना मर्जी के ना लीजिए। साथ ही आपको गर्म कपड़े रखने हैं, आपके खुद के और बच्चे के भी रखने हैं, आप अपने स्वेटर रख सकती हैं, अपने सॉक्स रख सकती हैं, अपना लोशन, अपना कंघा, अपना ये सारी चीज़ों को आपको रखना है और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। साथ ही हमेशा अक्सर महिलाएं भूल जाती हैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो आपकी जो अल्ट्रासाउंड की हुई थी और जो भी आपकी ज़रूरी फाइल हैं, दवाइयों के परचेज हैं, वो ज़रूर साथ में रखिए, जिससे आपको परेशानी ना हो हॉस्पिटल जाते समय। तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। इसके साथ ही अपने प्री टर्म लेबर को ज़रूर समझिए कि आपका नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, कभी भी जो आपको डेट दी है तो आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें पीठ दर्द ये वो, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। कुछ भी ऐसे पेन होता है अगर समय से पहले भी जनवरी डेट दी है, लेकिन हो सकता है आपको दिसंबर में कुछ ऐसा सिम्टम्स महसूस हों, तो तुरंत देरी किए बिना हॉस्पिटल चले जाइए। कुछ कुछ महिलाओं को 9th मंथ में कभी भी डिलीवरी हो सकती है, यानी कि 9th मंथ लगा उसके 1st वीक में, 2nd वीक में, 3rd वीक में, 4th वीक में कभी भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई
दिखाई देते हैं। तो ये ना सोचें कि अभी तो हमको नवंबर दी थी, दिसंबर दी थी, जनवरी दी थी, जब आपको ऐसे सिम्टम तब आप हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल जाने पर आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, देखा जाएगा बच्चे की पोजीशन क्या है, डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया या आपको ऐसे ही जो नकली लेबर पेन था वो होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही।